पहले के पार्ट अपन देख चुके हैं कि राइस्टार और समुराई बंडल की बहुत ही खतरनाक फाइट यहाँ पे क्लॉक टावर पे होती है, लेकिन यहाँ पे होती किस बात के लिए वो उस पार्ट में मैंने नहीं दिखाया। तो इस पार्ट में देखेंगे कि क्यों फाइट एक्चुअली होती क्यों। यहाँ पे राइस्टार भी अपनी गाड़ी के ऊपर आराम कर रहा था, यहाँ पे राइस्टार के स्क्वाड का यहाँ पे हिप हॉप बंडल वो भी आराम कर रहा था बाइक पे बैठ। ये सब लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे, उतने में यहाँ पे समुराई बंडल की स्क्वाड ने यहाँ पे अटैक कर दिया, इसलिए यहाँ पे तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। राइस्टार और राइस्टार के दोनों बंदे हिप हॉप बंडल एंड समुराई बंडल दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो, उतने में तीन बंदे सामने आते हैं समुराई बंडल की स्क्वाड के, ये बंदे थे वो तीनों यहाँ पे आते हैं, उतने में सामने से तीनों आते हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों अटैक कर देते हैं राइस्टार और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ पे समुराई बंडल एक अकेला जाता है एंड एक बंदे को भाई बहुत ही गंदे तरीके से पीट के डाउन करते हैं। उससे पहले इंडिया से प्यार करते हो तो लाइक करोगे, पाकिस्तान से प्यार करते हो तो कमेंट करोगे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। तो यहाँ पे एक बंदे को मार दिया एंड सगुरा फिर हिप हॉप बंडल फिर से जाता है और दूसरे बंदे को यहाँ पे राइस्टार मारने लगता है और उसको राइस्टार यहाँ पे मार देता है। तो गाइस